दसवीं क्लास में हमने साइंस की एक बुक पढ़ी थी जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और बायो तीनों के पार्ट थे, लेकिन अब जब हम 11वीं क्लास में आएंगे तो तीनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे और हर किताब का हमें अलग अलग अध्ययन करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान को अगर हम डिफाइन करना चाहें बहुत कम शब्दों में तो ये कहेंगे कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है वही भौतिक विज्ञान है। ये प्रकृति के नियमों को दर्शाती है। भौतिक विज्ञान का दूसरा नाम प्राकृतिक विज्ञान कहा जा सकता है। भौतिकी का विस्तार अनंत है। इसमें हम सूक्ष्म से सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लेकर बहुत बड़े आकार के जैसे पृथ्वी है और बहुत दूर स्थित ग्रह उपग्रह वगैरह, सूर्य की संरचना या आकाश में कहाँ पर ब्लैक होल है और बहुत सारे तारों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो बहुत सूक्ष्म क्षेत्र से लेकर बहुत बड़े क्षेत्र तक इसका जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है। इसका अध्ययन कोई भी ये नहीं कह सकता कि हम भौतिक विज्ञान में कंप्लीट हैं। पूर्णतः इसके बारे में जानकारी बहुत असंभव सी लगती है। तो क्या है फिजिक्स, इसके बारे में कुछ जानते हैं हम थोड़ा सा। जैसे भौतिक, हमने तुमको बताया कि भौतिक विज्ञान जो प्राकृतिक विज्ञान है प्रकृति के नियमों पर आधारित है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे पानी गिर रहा है, तो वर्षा का पानी जब गिरता है तो ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाता। जैसे मान लीजिए कि वर्षा हो रही है, सड़क पर पानी गिर रहा है, तो सड़क का पानी ऊपर उठकर मकानों के अंदर क्यों नहीं जाता, दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल पर क्यों नहीं चढ़ता, या सड़क का पानी पहाड़ों पर क्यों नहीं चढ़ता। वो पहाड़ पर गिरेगा तो नीचे आ जाता है लेकिन नीचे से पहाड़ों पर नहीं चढ़ता। तो ये क्या है, ये सब प्रकृति के नियम है कि पानी ऊपर से नीचे ही गिरता है। जहां भी हम पानी को, कहीं खेतों में भी जब पानी बहता है तो वो निचला तल ढूंढने का प्रयास करता है। पानी जो है न्यूनतम तल वहां तक पहुंचने का प्रयास करता है। 10वीं क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था विद्युत मोटर, और मोटर की सहायता से अगर हम पानी चाहे तो ऊपर नहीं, ऐसे सामान्य स्थिति में ऊपर नहीं पहुंच सकता, लेकिन अगर पानी को हमें ऊपर पहुंचाना है तो हम लोग देखते हैं आजकल हम लोग मोटर का प्रयोग करते हैं। तो मोटर के प्रयोग से पानी जो है कुछ ही मिनटों में नीचे से ऊपर पहुंच जाता है। तो ये जो हम सब अध्ययन करते हैं इन सब चीज़ों का, ये मोटर जैसा कि हमने 10वीं क्लास में पढ़ा है फिजिक्स में ही, तो यही फिजिक्स है। अब जैसे 9th क्लास में हमने एक नियम पढ़ा था, न्यूटन के नियम पढ़े थे हमने। न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे भौतिक विज्ञान के। उन्होंने देखा कि सेब गिर रहा है, सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा, आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब अन्य दिशाओं में ना जाकर के केवल नीचे ही क्यों गिरा। तो उन्होंने उस पर गुरुत्वाकर्षण बल का नियम बना दिया। तो और जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, पृथ्वी और कहीं नहीं जा रही, पृथ्वी नीचे नहीं गिर रही, ऊपर नहीं जा रही, केवल राउंड राउंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। क्यों लगा रही है, उस पर भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। इन्हीं सब चीज़ों का हम जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं वही फिजिक्स। हम लोग अपने आसपास चारों तरफ फिजिक्स से घिरे हुए हैं। पंख, गर्मी है, पंखा चल रहा है, देखिए गर्मी लग रही है, पंखा बटन चालू कर दे, पंखा चलने लगेगा, क्या है, फिजिक्स है। और रेडियो का इस्तेमाल अब हम लोग नहीं करते हैं, हालांकि आज से 2, 4, 5, 6 साल पहले तक भी शायद इसका प्रयोग होता था। दूर स्थित ना जाने कहाँ से हमें आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। अब तो हम मोबाइल का यूज बहुत अधिक किया जा रहा है। इस समय मोबाइल है, चंद मिनटों में हम यहाँ से ना जाने कहाँ कहाँ बात कर लेते हैं, और उसमें ढेर सारी फीचर्स हैं, मूवी देख सकते हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, आप ना जाने कहाँ बैठ के इसको देख सकते हैं अपलोड होने के बाद। तो ये सब क्या है, ये जो इन सब चीज़ों का हम जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं वही फिजिक्स है। गर्म चीज़ों को हम फ्रिज में रख देते हैं और अचानक वो ठंडी हो जाती है, तो ये फिजिक्स। और ये फ्रिज के बारे में भी हम लोग 11th क्लास में ही पढ़ेंगे सेकंड पेपर में। गाड़ी है, पहले लोग पैदल चलते थे, अब बाइक का इस्तेमाल करते हैं, तो बाइक इसकी जो स्ट्रक्चर्स है, संरचना, इसके भी रूल्स जो है वो भी फिजिक्स पर डिपेंड करते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो सेकेंड पेपर में हम लोग पढ़ेंगे, जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर की बाइक्स जो होती है उनमें जब ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी क्यों रुक जाती है, इसका अध्ययन हम सेकंड पेपर के दूसरे चैप्टर में करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में। और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। जैसे अब जैसे जैसा साइंस आगे बढ़ रहा है,
बहुत सारी जो है खोजें हो रही हैं। कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर का जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था उसका आकार हम आपको बताएं तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा, उसका आकार था 27 किलोमीटर। कंप्यूटर 27 किलोमीटर बड़ा था, सोचिए 27 किलोमीटर कंप्यूटर। और उस कंप्यूटर को जब वैज्ञानिकों ने छोटा करना प्रारंभ किया तो बहुत मेहनतों के बाद सालों बाद उन्होंने उसका आकार बदल के कर दिया ट्रक के आकार का। जब वो ट्रक के आकार का हो गया तो वैज्ञानिक बहुत खुश हुए, इतना कि पूछो मत। ट्रक के आकार का था जिसको संचालन करने में बहुत सारी समस्याएं होती थी, आज वो ट्रक के आकार का हो गया। तो आज हम देखते हैं कि साइंस इतना बढ़ गई है कि वो हमारे हाथों में मोबाइल में आ गया, उससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे मोबाइल में है, हम जेब में लेकर घूमते हैं। तो यही सब फिजिक्स है और प्रकृति स्वयं अपने नियमों को नहीं तोड़ती, हम बता रहे हैं इसके बारे में आपको। ये नियम जो न्यूटन ने बनाए हैं, बनाए नहीं, ये पहले से बने हैं, या जिस भी साइंटिस्ट ने नियमों को बनाया, किसी ने नियम को बनाया नहीं, नियम पहले से बने हैं। क्या जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया तभी सेब नीचे गिरा था? पहले सेब नीचे नहीं गिरते थे, सेब पहले से नीचे गिरते थे, पानी पहले से नीचे गिरता था। तो जो नियम है वो पहले से बने हुए, उन्हें किसी ने बनाया नहीं, हम लोग सिर्फ इनकी खोज करते हैं, इनकी खोज करते हैं कैसे हुआ इस पर परीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, और यही सब हमारा साइंस है। ऊष्मा है, जैसे एक किसी वस्तु को हमने छुआ तो जैसे बर्फ को हम छूते हैं तो बर्फ हमें ठंडी लगती है, और अगर हम गर्म पानी को छूए तो वो हमें गर्म लगता है। एक्चुअल में कोई चीज़ गर्मी या ठंडी नहीं होती, वो डिपेंड करती है उसकी एनर्जी पर। जैसे मान लीजिए हमने बर्फ को छुआ तो ऊष्मा जो है वो हमारे हाथों से निकलकर बर्फ में जाती है। जब ऊष्मा हमारे हाथों से निकलकर किसी वस्तु में प्रवेश करती है तो वो चीज़ हमें ठंडी लगती है, और जब किसी चीज़ से ऊष्मा निकलकर हमारे हाथों में प्रवेश करती है तो वो हमें गर्म लगती है। सिंपल सी चीज़ है। अगर आप हमसे पैसे लेंगे, कोई भी पैसा ले रहा है तो बहुत विनम्रता से व्यवहार करता है, पर अगर हम आपसे कह दें कि हमको 2 लाख रुपए या कुछ पैसों की ज़रूरत है तो हो सकता है कि आप उतने विनम्र नहीं होंगे। यानी कि लेने वाली वस्तु विनम्र होती है, जैसे कि बर्फ ने ऊष्मा ली, विनम्र का मतलब यहाँ पर शीतलता से। तो फिजिक्स जो है प्राकृतिक प्राकृतिक विज्ञान है जो प्रकृति के नियमों से ही जुड़ी हुई है। और जैसे प्रत्यास्था के बारे में हम सेकंड पेपर में कुछ पढ़ेंगे, इसमें जैसे रबर और लोहे को एक ही बल से खींचा जाता है, रबर ज़्यादा खींच जाता है, लोहा बहुत कम खींचता है, इतना कि हमें लगता है कि वो खींचा ही नहीं, या फिर तार वगैरह इसमें जो थोड़ा बहुत खींच भी जाए तो बल एक ही लगा है, लेकिन कोई चीज़ बहुत अधिक खींच जाती है, कोई बहुत कम खींचती है। तो ये क्या है, इलास्टिसिटी है। इन सब चीज़ों का अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है, और फिजिक्स का कुछ साइंस से रिलेशन भी है, जैसे मैथ से मैथ बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं और उनको हम फिजिक्स में बिना मैथ्स के सॉल्व नहीं कर सकते। रेडियो, उपग्रह, कंप्यूटर वगैरह ये सब जो है फिजिक्स और मैथ्स की संयुक्त देन है, बिना मैथ्स के फिजिक्स इनको सॉल्व नहीं कर सकती थी। फिजिक्स ने रसायन विज्ञान से, अगर इसका संबंध के बारे में हम बात करें तो परमाणु की संरचना की खोज भौतिक वैज्ञानिकों ने की है, जिससे संयोजकता की प्रकृति है ना, और कौन सा तत्व आवर्त सारणी में कहाँ पर रहेगा, बंधों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमको मिली हैं। और अगर फिजिक्स और बायो के रिलेशन की बात करें तो बायोलॉजी में हमने, हाँ, सूक्ष्मदर्शी के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी से हम कोशिकाओं की संरचना, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों के बारे में, उसके मतलब शरीर की छोटी छोटी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, तो वो सूक्ष्मदर्शी किसकी देन है, भौतिक विज्ञान की देन है। मानवनेत्र चैप्टर हमने पढ़ा है 10वीं क्लास में, तो उसमें जो प्रकाश के नियमों का हम लोग अध्ययन करते हैं, कौन सी किरण किधर से आती है, कहाँ से जाती है, लेंस वगैरह, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब भौतिक विज्ञान के नियमों पर आधारित है। तो यही सब फिजिक्स है, और पहला चैप्टर 11वीं क्लास का जो हमारा भौतिक जगत है उसमें हम इन्हीं सब चीज़ों पर